सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर केवल हर किसी को अपने दोस्तों परिजनों सगे संबंधियों परिचितों से मात्र सुख दुख हंसी मजाक जैसी चैटिंग की होगी। मगर क्या आपने कभी सुना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को जीवन दान भी दिया जा सकता है? जी हाँ, यह आश्चर्यजनक तो है ही मगर बिल्कुल सत्य है। नमस्कार, मैं श्रुति दुबे फास्ट न्यूज इंडिया की विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष लाई हूँ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक ऐसे ही 27 वर्षीय नौजवान ने व्हाट्सएप के माध्यम से यह कमाल कर दिखाया है, जो आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे शिल्पांचल में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं 27 वर्षीय युवक अंकित अग्रवाल की, जो व्हाट्सएप के माध्यम से ब्लड डोनेट के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, जिसमें अंकित अपने साथियों संग हमेशा 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं। कभी भी अगर उनके पास कोई परिवार का मामला आता है कि उन्हें किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड की आवश्यकता है, तो अंकित अग्रवाल अपनी टीम के किसी सदस्य को मात्र आधे घंटे के अंदर उस बताए हुए स्थान पर भेजते हैं और उनके जरूरत के हिसाब से ब्लड डोनेट करा देते हैं। अंकित अग्रवाल पश्चिम बंगाल आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच से भी जुड़े हैं। अंकित अग्रवाल समाज के लिए एक आईने के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इस पर पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता राम सूरत राजभर जी ने अंकित अग्रवाल से की बातचीत, आइए सुनते हैं। अंकित जी, अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं और किस माध्यम से काम करते हैं। सर्वप्रथम सभी युवा साथियों को मेरा हृदय की गहराई से धन्यवाद जी। मैं अंकित अग्रवाल, आसनसोल की शाखा का सदस्य हूँ और अपनी गृह शाखा में व्हाट्सएप ग्रुप ब्लड ग्रुप संयोजक और पश्चिम बंगाल से हिंदुस्तान के मारवाड़ी युवा मंच का रक्तदान संयोजक। आज के नवयुवक जहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को संदेश भेजने में व्यस्त हैं, चुटकुले शायरी या कुछ भी कहें, तो आप जो है कि जीवन दान, महादान कहा जाने वाला रक्तदान कैसे करते हैं? देखिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको देना चाहूँगा जी। मैं कमरे में एक बार मूवी हॉल में बैठा हुआ था और मूवी देख रहा था, हमारा एक व्हाट्सएप फ्रेंड सर्कल का ग्रुप था, उसमें एक मैसेज आता है कि मेरी मम्मी को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है जी, और हमारा ओ नेगेटिव है तो माँ और डोनेट करते हैं। उसके बाद मैं मूवी को छोड़ के निकला, एक मुझे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जो ये मैसेज आया, जिस जरिए से आया, जरिए को हम समाज सेवा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने उसी वक्त एक अपना MYM ब्लड ग्रुप आसनसोल करके एक ग्रुप बनाया और अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को ऐड किया, हमारे शाखा के लोगों को ऐड किया। ये जो ग्रुप मेरा बना था 2016 में मैंने बनाया था जी, और 2019 चल रहा है, 3 साल से हम इस ग्रुप में रन कर रहे हैं और तकरीबन अभी हमारा आसनसोल में 22 व्हाट्सएप ग्रुप में 10,000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये ग्रुप की जानकारी। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जैसे अभी कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, किसी के परिवार को ब्लड की आवश्यकता होती है, तो जाते हैं ब्लड बैंक, तो उनको उस परिस्थिति में जहाँ तक शिकायत मिला है कि ब्लड मुहैया नहीं कराया जा सकता है, कुछ मतलब कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से, तो उन वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि ब्लड बैंक का, जैसे अभी आप एक ब्लड कैंप चल रहा है जी, ब्लड कैंप चल रहा है, इसको प्रोसेसिंग करने में मिनिमम 2 घंटे का वक्त लगेगा जी। 2 घंटे तक आपको ब्लड अभी अवेलेबल ब्लड बैंक में नहीं होगा, तो 2 घंटे के बाद जाएंगे आपको ब्लड के थ्रू से मिल जाएगा। ब्लड लेने के 3 जरिए होते हैं। सबसे पहला होता है कि आप कार्ड दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड जो आप ब्लड कैंप से आपको मिलता है वो कार्ड देकर आप ब्लड ले सकते हैं। दूसरा होता है, अगर आपको ओ नेगेटिव चाहिए, आपके पास बी पॉजिटिव है ब्लड बैंक में, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, तो बी पॉजिटिव दीजिए, डॉक्टर दीजिए, आपको वो रिप्लेस कर देंगे। और तीसरा होता है, आप सरकारी लागत है 1,025 रुपये, वो देखिए आप। अच्छा, आज आपकी शादी हुई है, थोड़ा अटपटा सवाल है मेरा, तो अभी आपकी शादी, घर बसा नहीं और आप जो है कि नवयुवक होकर अंगदान जैसा जो है कि एक, जहां तक मुझे जानकारी है, तो ऐसा क्या सोचें आप? देखिए, मेरा जो अपनी सोच है जी, सबसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग को तकलीफ हो जाए, तो मेरा किसी को तकलीफ पहुँचाने का सोच नहीं है, मेरी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ जो सोचता हूँ वो बता रहा हूँ। आप जब मर जाते हो, लेकिन आपके अंग जो है, भगवान की जो सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए, वो जिंदा रहता है कुछ घंटों तक, लेकिन अगर आप उसको दान दे देते हैं तो फिर से आप कहीं ना कहीं जीवित
शरीर को अंगदान के रूप में दान करने के लिए फॉर्म भी भर चुके हैं। अंकिता भी अविवाहित है। वह कहते हैं कि समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई काम नहीं है, इसलिए मैं समाज सेवा जैसे महान काम से जुड़ा हूँ और मुझे फक्र महसूस होता है कि मैं किसी जरूरतमंद के काम आता हूँ। अंकित कहते हैं कि इस दुनिया में उनके माता पिता अब नहीं है, वह अपनी बड़ी बहन के संग यहाँ आसनसोल में रहते हैं। ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को अंकित द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अंकित अग्रवाल दावा करते हैं कि बंगाल ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो तो वे जरूर इसे उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि हम ज्यादातर मामलों में सफल भी हो जाते हैं। इस पर आगे अंकित अग्रवाल से पश्चिम बंगाल के हमारे संवाददाता रामसूरत राजभर जी ने उनसे आगे और जानकारी लेनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनकी एक रिपोर्ट। मैंने अंगदान का फॉर्म भरा और मेरे अभी तक टोटल जो मित्र हैं 40 से अधिक मित्रों ने ये फॉर्म भरा है। 40 मैं अकेला नहीं हूँ जी, 40 लोगों ने और मेरा 40 नवयुवकों ने साथ दिया, मैं उनके लिए सबसे ज्यादा आभार। और आप किस सोच को लेके ये व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और ब्लड डोनेट वाला जो ये अभियान चला रहे हैं, किस सोच को लेके आप लोग चला रहे हैं? एक्चुअली मैंने पहले बताया हर सेवा का विकल्प है, हर जरूरत को किसी न किसी माध्यम से पूरा किया जाता है, लेकिन रक्त को कहीं पर भी किसी तरह से पूरा नहीं किया जाता। इसका एक ही ऑप्शन है, आपको डोनेट करना पड़ेगा, आपको रक्तदान करना पड़ेगा, इसीलिए रक्तदान महादान। मैं सभी को प्रेरित करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आप रक्तदान करें। और जैसे क्या होता है कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, भैया मुझे डोनेट ब्लड चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ आपके फैमिली में कोई डोनेट किया? बोला कभी नहीं। ठीक है भैया, आगे तो आपकी जरूरत को हम पूरा करते हैं। उसके बाद मैं उनसे संकल्प करवाता हूँ कि जब कभी जरूरत होगा मैं आपको फोन करूँगा, आप रक्तदान करेंगे। और इसके ऊपर मैंने छोटी सी स्टोरी भी लिख के रखी है, अगर संभव हो तो कभी आपको बिल्कुल स्टोरी है क्या और कैसे मैंने लिखी जी। एक कड़वा सच्चाई है, कड़वी सच्चाई एक है, बहुत सारा हिंदुस्तान में बहुत सारी संस्थाएं हैं या ट्रस्ट कहें, वो कुछ दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे कहें तो जी जी प्रोपेगेंडा के लिए काम नहीं किया, कभी हाईलाइट करने के लिए काम नहीं किया। और आज भी अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उसका कारण सिर्फ ये कि लोगों तक मेरे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म की जानकारी पहुँचे, ताकि लोग उनसे जुड़े और अपनी जब रक्त की जरूरत पड़ती है तो हमसे जुड़ पाए और हमको रक्त मुहैया करवा पाए। यही उद्देश्य है कि हम रक्त की कमी को मिटा पाए। और हमारा स्लोगन ये मारवाड़ी युवाओं के लिए खड़ा है, रक्त की कमी को मिटाना है। और ये प्रकल्प जो हमारा है, जो हमने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म बनाया है, नव युवकों के लिए कोई संदेश? आपका सेवा है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक का सीमित है या फिर इंडिया का और भी कई शहर है? भारतवर्ष में हमारी मतलब अखिल भारतीय मारवाड़ी गवर्नमेंट की पूरे भारतवर्ष में 700 से अधिक शाखाएं हैं और तकरीबन 50,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं, जो हमारी हर जगह पे हर स्टेट में हमारी ब्रांचेज है। अगर आप कहीं पर भी हमारे ग्रुप में अगर आते हैं दिल्ली में रिक्वायरमेंट हो, हमारे दिल्ली के सहयोग से मैं बात करता हूँ और अपने ब्लड को उपलब्ध करवाता हूँ। और तकरीबन जो हमारा समय होता है दवाइयाँ करवाते हैं, आधे घंटे का होता है नॉर्मल रूप में, और एयरपोर्ट में कभी 1 घंटे भी लग जाता है, कभी 1.5 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। और अगर ज़रूरत होती है एमरजेंसी देखते हैं, जैसे 8 लोग 15 मिनट में भी ब्लड मुहैया करवा पाते हैं। और अधिकतर रक्तदान ब्लड बैंक होते हैं, उसके प्रॉब्लम करते जी। अपने एक बार पर्चे पुनः बता दें। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, मैं आसनसोल क्षेत्र शाखा का सदस्य हूँ और पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांत मारवाड़ी गवर्नमेंट में रक्तदान शुरू हुआ। धन्यवाद। अंकित अग्रवाल के दावों की आजमाइश के लिए फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने अंकित अग्रवाल के बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज व फोन के माध्यम से ब्लड की जरूरत है इसके लिए अंकित अग्रवाल से संपर्क साधा और कहा गया
गया कि एक हॉस्पिटल में उनके रिश्तेदार को ब्लड की तत्काल आवश्यकता है। इस पर अंकित की टीम द्वारा जल्द ही मामले को संज्ञान में लेते हुए मौके पर ब्लड डोनेट करने वाले सदस्य को भेज दिया गया। इस तरह से अंकित अग्रवाल फास्ट न्यूज इंडिया द्वारा जारी पड़ताल में पास हो गए। आगे अंकित के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ब्लड डोनेट करने वाले दावे को लेकर पड़ताल हमने जारी रखी, मगर अचरज की बात रही कि अंकित अग्रवाल व उनकी टीम हर बार दावे के अनुसार एक्टिव दिखी। इस सराहनीय कार्य के विषय में पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता राम सूरत राजभर जी से बात करते अंकित अग्रवाल के साथ ही, आइए सुनते हैं। मेरा नाम नवीन अग्रवाल, मैं मरवाड़ी वुमन चैंपियनशिप सिटी शाखा ब्रांच का मेंबर हूं और अभी एट प्रेजेंट यहां का ट्रेजर हूं। आपकी संस्था मरवाड़ी युवा मंच, यह किस तरह काम करती है आसनसोल में, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मरवाड़ी युवा मंच संस्था यहां के लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रही है। ये हम लोग यहां पर आपकी रसोई कर डेली 50 भूखों को खाना खिलाते हैं। शनिवार के शनिवार हम लोग महावीर स्थान में खिचड़ी का प्रोग्राम करते हैं। हम लोग ब्लड डोनेशन का भी लाइव ब्लड डोनर का काम कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग सबको अवेलेबिलिटी कराते हैं। कैसे जिनको भी दरकार पड़ती है वो हमें कोई भी माध्यम से, यदि हमें मालूम चलता है कि हम उसे ब्लड की दरकार है कहीं पर भी, तो हम लोग कोशिश करके अपनी व्हाट्सएप ब्लड ग्रुप के जरिए जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में है या फिर हमारे नॉलेज में कहीं पर भी आता है तो हम लोग उसकी उससे बात करके उसकी सुविधा के अनुसार उसे ब्लड की व्यवस्था करवा देते हैं। कभी ऐसा कोई मोड़ आया है जो कि बहुत इमरजेंसी कोई केस हो उसमें ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो आपने कैसे सहायता किया उनका, क्या आपके कैसे आप सहायता करा देते हैं, जैसे आपके क्या लोग हैं या किस माध्यम से? वहाँ लोकल कहीं आसनसोल या अगल बगल की एरिया में होती है, यदि कहीं ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि हमारा खुद का कोई ब्रांच का मेंबर हो या हमारे नॉलेज का हो जो स्वच्छता से अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो तो हम उसे वहाँ भेज देते हैं कि उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट संग पूरी कर दी जाए। यदि हमारे उस वक्त नहीं वो चीज़ की अवेलेबिलिटी होती तो हम कोई भी माध्यम से ब्लड बैंक से या फिर दूसरे ब्रांच। कितना समय लगता होगा? हमारा प्राय कोशिश करते हैं कि हम जितनी जल्दी से जल्दी हो उतनी जल्दी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। संस्था को चलाने में कितने लोग आप लोग हैं अभी मेंबर? हमारी कुल अभी मेंबरशिप में 64 जी, और हमारे कोर कमेटी में है 15 मेंबर जी। अपना परिचय एक बार बता दें। नवीन अग्रवाल, धन्यवाद जी। चंदन जी, आज के युग में जो नवयुवक हैं ज़्यादातर अपने पढ़ाई लिखाई को लेके या घरेलू कामों में उलझे रहते हैं, तो आप लोग ये जो मरवाड़ी युवा मंच द्वारा जो ब्लड डोनेट का जो लगाया जा रहा है या तो संस्था जो ब्लड मुहैया करा रही है, क्या सोचे करवा रही है? आप सही बोल रहे हैं कि आज के जितने भी युवा हैं जी, जितने भी यंग जनरेशन है, वो लोग ज़्यादातर अपने पढ़ाई लिखाई में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर हम लोग भी इसी तरह व्यस्त रहते हैं, पर अपने व्यस्त टाइम से भी हम लोग को टाइम निकाल के। क्या ख्याल आया था और कब से ख्याल आया था? ख्याल यही आया था कि हमारे रिलेटिव में ऐसी एक बहुत सारी संस्था है जो चल रही है ब्लड के, तो हमारे परिवार में ब्लड की आवश्यकता थी, तो जब ब्लड नहीं मिलने पर बहुत असुविधा होती है, पता चला कि हाँ ब्लड की क्या कीमत होती है, तो बोलते हैं कि ब्लड देना तो ब्लड की कीमत बहुत बड़ी बात है जी। देखो तो कोई भी खुद देता है इमरजेंसी में या कभी भी डोनेशन कैंप में मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है, तो उसी को देखते हुए हम लोग आगे अपना एक कैंप चालू किए हैं ब्लड डोनेशन कैंप, उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑल ओवर इंडिया तक हम लोग सेवा देते हैं जी। कहीं भी किसी को दरकार पड़े तो हम लोग। आपको क्या लगता है कि यह संस्था कितने दिनों तक चल पाएगी? ये संस्था को हम लोग तो अपनी जनरेशन में चला रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आने वाले जनरेशन की ये संस्था। अगर आपके जो अभी जिनसे मेरी बात हुई कुछ देर पहले, उन्होंने कहा 64 लोग हैं संस्था में, तो मान के चलिए अगर यही लोग अगर ब्लड डोनेट करते होंगे तो फिर अगर मान लीजिए कि ब्लड डोनेट की स्थिति में ना रहें और डोनर को चाहिए तो कैसे क्या कर पाएंगे? तो हम लोगों की बहुत
सारे कॉन्टैक्ट्स है वैसे जी, बहुत सारे लिस्ट है, कम से कम हम लोग के पास में 2 से 3 हज़ार लिस्ट रहते हैं जिसमें हम लोग अल्टीमेटली अगर हम लोग ट्राई करेंगे एमरजेंसी में तो 2-3-4-5 दिनों से निकलिए जो एनी टाइम ब्लड देने के लिए रेडी जी। अपनी तरफ से नवयुवकों के लिए कोई संदेश दीजिए ताकि वो इस मिशन में जुड़े आपके संग। हमारा संदेश यही है कि आप आगे से आगे आए, समाज की सेवा में भाग लें, ब्लड डोनेशन कैंप में आगे बढ़ाएं। ब्लड की जरूरत इतनी है कि हर वक्त किसी को भी परिवार को किसी के समय भी लग सकती है। तो इस सेवा से आप जुड़े रहेंगे तो आपकी भी उसमें आपको भी लाभ होगा और अपनी संस्था को भी लाभ होगा। युवाओं को किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे ब्लड डोनेट के लिए? युवाओं को इससे प्रेरित कर जाऊँगा कि ब्लड जो है, अगर युवा को हम लोग देख के ये चलना होगा कि हमारे परिवार में भी हमारे लोग हैं बड़े, कभी भी इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आप कोई भी संस्था से जुड़े रहेंगे, अगर ब्लड के ब्लड डोनेशन कैंप हो या मरवाड़ी हो, मन शिक्षा हो, कोई भी संस्था से जुड़े रहेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू में आपको ब्लड ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक, आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय पूरा बता दें, अपना परिचय एक बार पुनः बता दें दोबारा। धन्यवाद। अंततः फास्ट न्यूज इंडिया पश्चिम बंगाल के 27 वर्षीय इस रियल हीरो को सलाम करती है जो समाज सेवा करने का प्रण लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से ब्लड डोनेट जैसे महान कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ मैं श्रुति आप सभी से आज्ञा लेती हूँ, आगे इसी तरह की बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ और मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।